वेलकम टू अवर चैनल लॉकशार स्टूडेंट। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करने जा रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि पार्ट फिफ्थ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फिफ्थ। में हम किसके बारे में बात करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में करते हैं। हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है, हम आज की वीडियो में आर्टिकल फ्रॉम 52 to 78 आर्टिकल्स को कवर करेंगे। हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं हमारे फर्स्ट द प्रेसिडेंट, सेकंड द वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वन द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फिफ्थ वन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहां बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारे कंट्रोलर होते हैं एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट को हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है यूनियन की वो किसके हाथ में होती है, किसके नेम पे की जाती है, प्रेसिडेंट के नेम में। अब ये प्रेसिडेंट इतने इंपॉर्टेंट है तो भैया इन्हें वोट कौन करता है, आर्टिकल 52 बताता है हु कैन वोट द प्रेसिडेंट। देखिए जो इनका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दो तरीके के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिसमें हम नॉर्मल पीपल्स क्या करते हैं, अपने नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, वोट करती है और अपने लीडर को क्या करती है, चूज करती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमारे कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं, वोट करते हैं। कौन कौन करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। फोकस ऑन द वर्ड इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट अ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं, दो हाउसेस हैं, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के कौन इलेक्टेड मेंबर्स क्या करेंगे, वोट करेंगे हमें किसे, प्रेसिडेंट को। राज्यसभा में कितनी सीट्स होती है, 250 सीट्स होती है। लोकसभा में कितनी सीट होती है, 552। ये जो हमारी 250 सीट्स हैं एंड 552 सीट्स हैं, ये हमारी मैक्सिमम सीट्स हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे 250 ही मेंबर्स क्या हो हमारे इस टाइम हो राज्यसभा में, ये नेसेसरी नहीं है, बट ये हमारी क्या है, मैक्सिमम सीट है। इलेक्टेड सीट्स कितनी होती है, 238। इन माय ओपिनियन राइट नाउ जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के 233 हैं, 233। बट हमारी मैक्सिमम सीट कितनी है इलेक्टेड मेंबर्स की, किस जगह, राज्यसभा में 238 एंड नॉमिनेटेड किस लिए सीट कितनी है, 12 सीट्स है। वैसे ही लोकसभा की बात करते हैं तो 530 इलेक्टेड सीट्स है हमारी, किसमें, लोकसभा में। नॉमिनेटेड सीट कितनी है, 2 एंड यूनियन टेरिटरीज की सीट कितनी है, 20 सीट्स है। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 54 में क्या, कि हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं किसे, हमारे प्रेसिडेंट। तो कौन कौन से मेंबर, इलेक्टेड 238 एंड 530, और कौन कर सकता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं किसे, हमारे प्रेसिडेंट को। किस आर्टिकल में क्या गया है, आर्टिकल 54 में कहा गया। कम टू द नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55। अब प्रेसिडेंट का कैसे कैसे इलेक्शन होता है, जिसे मैंने हल्का सा आपको क्रक्स बता दिया था कि उनका इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो देखते हैं, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। उनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली नहीं होता। द इलेक्टेड, अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, फर्स्ट वन। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, एंड थर्ड वन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। कौन कौन से आते हैं, जिसे हमने बताया था, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं दोनों ही हाउसेस के, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड थर्ड वन इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। कम टू द नेक्स्ट, कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या कंसिस्ट करता है, तो हमने जो तीन पॉइंट डिस्कस करे पीछे वो आप लिखेंगे। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, अब आर्टिकल 56 किसके बारे में बात करता है, कि ये कितने पीरियड के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, देखते हैं।
इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 years. ये ऑफिस को कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं, 5 years के लिए होल्ड करते हैं. ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट. ये अपनी पोस्ट को रिजाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त. कब? जब ये क्या करें, रिजाइन लेटर किसे दे दें, वाइस प्रेसिडेंट को. ये रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और किसी भी टाइम अपनी पोस्ट को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. कैन बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट. अब इनका क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, इंपीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपीचमेंट किसका होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है. इनका टेन्योर कितना था, 5 years टेन्योर था. ये किसी भी टाइम अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं, कैसे, रिजिग्नेशन लेटर देके, किसे, वाइस प्रेसिडेंट को. थर्ड क्या कहता है, रिमूव बाय इंपीचमेंट. ये अपने टेन्योर से पहले भी अपनी सीट को हट सकते हैं, अपनी सीट से हट सकते हैं, कैसे, अगर इन्हें रिमूव करा गया हो, कैसे, बाय इंपीचमेंट. इंपीचमेंट मतलब आप यहां बस इतना जान लीजिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रेजिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस. देखिए ये अपनी सीट को होल्ड कर सकते हैं 5 साल का, मतलब जो इनका टेन्योर होता है उसके बाद भी. कब तक, अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज, मतलब यानी कि जब तक उस सीट पर कोई नेक्स्ट सीट, मतलब नेक्स्ट पर्सन नहीं आ रहा, तब तक ये उस सीट को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस. ये क्या होते हैं, ये एलिजिबल होते हैं किस चीज के लिए, फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस. उस ऑफिस के लिए क्या करने के लिए, री इलेक्ट होने के लिए. जैसा कि यूएसए में अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू दैट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस. यूएसए में क्या है, 2 बार से ज्यादा एक पर्सन क्या, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता. कम टू द नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट. किस आर्टिकल में क्वालिफिकेशन बताई गई है प्रेसिडेंट्स के लिए, आर्टिकल 58. फर्स्ट, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. वो क्या होने चाहिए, इंडिया के नागरिक होने चाहिए. शुड बी कंप्लीटली 35 ऑफ ईयर एज. क्लियर कि वो 35 साल की उम्र को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. एक हमारे प्रेसिडेंट की क्या और क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. फोर्थ वन, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. जो भी पर्सन हमारा इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट, वो कोई और ऑफिस होल्ड ना कर रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहा हो, जो किसके अंदर हो, यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी के अंडर ना हो. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी आईएएस है, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, तो उसे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका, उसे क्या करना पड़ेगी, वो जॉब छोड़नी होगी. सपोर्ट, 50 इलेक्टेड एज अ प्रपोजर, 50 इलेक्टेड एज अ सेकेंडर. इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, ऐसे तो नहीं है, तो कोई पर्सन तो कहते होंगे भैया हाँ ये प्रेसिडेंट बनना चाहिए. तो जो पर्सन हमारे क्या कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बनना चाहिए, जो प्रपोजल रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं. उस प्रपोजल को जो एक्सेप्ट कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडर कहते हैं. तो 50 इलेक्टेड एज अ प्रपोजल, अब वो कौन कौन कहेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या करेंगे, 50 मेंबर्स क्या कहेंगे कि ये पर्सन हमारा प्रेसिडेंट बनना चाहिए. 50 उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, तब वो क्या होगा, वो पर्सन क्या होगा, एलिजिबल होगा किस चीज के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के. शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन. बट कंडीशन क्या है, वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए. बट इफ अ सच पर्सन इज इलेक्टेड देन ही और शी मस्ट वैकेंट हिज सीट ऑन द डेट ऑफ व्हेन ही एंटर्स द ऑफिस. अगर वो पर्सन मेंबर है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेशन का मेंबर है, तो जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा, मतलब यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करेगा, तो वो पर्सन क्या, उसे अपनी वो सीट पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा, वैकेट करना होगा. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 60 में आती है. अब भैया प्रेसिडेंट की पोस्ट है तो उन्हें ओथ लेनी पड़ती है, तो अब उनकी ओथ कौन करवाता है, देखते हैं. द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो उनकी ओथ करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं. अगर वो अब्सेंस है, एंड इन हिज अब्सेंस द सीनियर मोस्ट जस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल. जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जस्ट है वो करवाएगा उनकी ओथ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, अब्सेंस है. कम टू द नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफिस. अब क्या क्या कंडीशन है हमारे प्रेजिडेंट ऑफिस की, देखते हैं वन बाय वन. ही शुड नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज वैकेंट हिज सीट.
वो पर्सन जो हमारे इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो किसी भी हाउस, जो भी दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर मेंबर हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट को क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा, जब वो क्या करेंगे, ऑफिस में एंटर करेंगे। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमारे प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उन्हें वो क्या करना पड़ेगा, वो ऑफिस छोड़ना होगा और फिर वो जाके क्या होंगे, क्वालिफाई करेंगे, एलिजिबल कराएंगे किसकी पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। He is entitled without payment of rent to the use his official residence. हमारे प्रेसिडेंट क्या होंगे, entitled होंगे, किस चीज के entitled होंगे, यूज करने के लिए, किसे यूज करने के लिए, ऑफिशियल रेजिडेंस को, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। अब उनका ऑफिशियल रेजिडेंस क्या होता है हमारे एक प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति भवन। He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament. वो किस चीज के एंटाइटल होंगे, जो भी emoluments, allowances, जो किसने डिटरमाइन करे, पार्लियामेंट ने डिटरमाइन करे। His emoluments, allowances cannot be diminished during his term of office. जो भी उनके allowances हैं, emoluments हैं, वो क्या नहीं होंगे, diminish नहीं करे जाएंगे, कब तक, during his term of office. और term of office कितना होता है, 5 years. Come to the next slide. Impeachment of President, Article 61, most important. कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट ऑफ द हमारा प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में दिया गया। देखिए थोड़ा स्मार्ट आपको खुद बनना पड़ेगा कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन इन द आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे आपको अपने फ्रेम करना पड़ेगा लाइंस को, ठीक है। अब इंपीचमेंट का ग्राउंड क्या होता है, इंपीचमेंट किसका होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। क्या ग्राउंड होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड ऑफ द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्लियर। अब इंपीचमेंट कैसे होता है, किसी प्रेसिडेंट का कैसे इंपीचमेंट होगा, देखिए बिल ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इनिशिएटेड बाय आइदर लोकसभा और राज्यसभा। बिल ऑफ रिमूवल क्या करा जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा, एंड साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। और जिस हाउस ने क्या करा, इनिशिएट करा बिल ऑफ रिमूवल प्रेसिडेंट का, वो 1/4 मेंबर के द्वारा क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, एंड अ 40-day नोटिस शुड बी गिवन बाय टू द प्रेसिडेंट। और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा किसे, प्रेसिडेंट को। इंपीचमेंट रिजोल्यूशन शुड बी पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड सेंड टू द अदर हाउस फॉर द सेम प्रोसेस। देखिए इनिशिएट करा जाएगा कितने मेंबर से, 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, और 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस क्या करना चाहिए, उस चीज को क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। और इस सेम प्रोसेस के लिए वो किस पे जाएगा, दूसरे हाउस पे सेंड करा जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब दूसरा जो हाउस है, अगर वो राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा इनिशिएट करा गया बिल ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो दूसरा जो हमारा हाउस होगा जैसे राज्यसभा, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा वो चार्जेस सही है या नहीं है। President has right to appear during investigation. हमारे president के पास right है कि वो investigation के time क्या करे, वहाँ पे खड़े रहे, appear रहे। Who can vote impeachment? अब कौन person vote कर सकता है impeachment के लिए? कौन person vote कर सकता है हमारे president के लिए? किस article में दिया गया है? Article 54. तो आप ऐसे ना articles को अपने आप ही क्या करते रहोगे, पूछते रहो, अपने आप से questioning करो, किस article में क्या चीज दी गई है, article में किसमें oath दी गई है, तो ऐसा आप अपने आप से पूछते रहेंगे ना, तो आपके और अच्छी तरीके से क्या होगा, आपका रिवीजन होगा एक तरीके से। ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड वोट। अब इंपीचमेंट में कौन वोट देगा, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पे क्या था आर्टिकल 54 में, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पे क्या है, यहां पे ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वोट देंगे, यहां इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड की बात नहीं करेंगे, सभी मेंबर्स पार्लियामेंट के क्या करेंगे, वोट देंगे किस चीज में, इंपीचमेंट में, elected and nominated both. Come to the next slide. Vacancy in the president office. अब हमारी वैकेंसी कब कब आती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, देखते हैं। On the expiry of term of 5 years, जब उनका जो टेन्योर होता है 5 साल का, वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, एक्सपायर हो जाए। By his resignation, वो क्या कर दे, अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दे। अब ये रेजिग्नेशन लेटर किसे दिया जाएगा, बिल्कुल सही, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है किसी भी टाइम। On his removal by the process of impeachment, उन्हें इंपीचमेंट की वजह से क्या कर दिया गया, प्रोसेस की वजह से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया उनकी पोस्ट से। बाय हिज डेथ, अगर उनकी डेथ हो गई, अदरवाइज फॉर एग्जांपल
when he becomes disqualified to hold office of profit or when his election is declared void. दो कंडीशन और भी है, अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं या उनका इलेक्शन क्या हो जाए वॉइड डिक्लेयर्ड हो जाए, तब उनकी पोस्ट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी. कम टू द नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जिन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू नोटिफिकेशन. अगर कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubham.22 में DM कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू.